जेस्टर जो है वो इंडिया के फैंस की जनब से देखने को मिला है ना, यकीन माने इसने मेरा दिल जीत लिया है। जो लाखों का हुजूम मरीन ड्राइव पर था, ट्रैफिक जाम लगा हुआ था, वहां जैसे ही एम्बुलेंस उन बीमार लोगों को आगे बढ़ता चला गया, सायरन बजता गया, रास्ता बनता गया। मुंबईकरों ने वो जज्बा दिखाया, इतनी बड़ी भीड़ में भी लगातार सायरन को देखते हुए उन्होंने रास्ता खुद बनाया और मुंबई पुलिस की तकलीफ और आसान कर दी। इन तमाम बैरियर्स ब्रेक कर दिए हैं मुंबई के लोगों ने, क्योंकि मुंबई की सड़कों पर इंसानों का सैलाब उमड़ आया। इंडियंस की रिस्पेक्ट क्यों ज्यादा की जाती है? एम्बुलेंस वहां पर आती है, वो जो वहां पर आती है भाई साहब, तो जब वो सायरन बजाती है ना, तो लोग जो है फौरन से लोग जो है सारे काम छोड़ के एम्बुलेंस की तरफ देखते हैं और उसके बाद ऐसे बीच में से जगह को चीर देते हैं। हमारे जो बच्चे हैं, क्योंकि कौम का मुस्तकबिल होते हैं, वो बहुत ज्यादा रेडिकलाइज होते चले जा रहे हैं। आपको हम देखते हैं एज ए प्लेयर, आप अपनी पर्सनल लाइफ में कितने अच्छे मुसलमान हैं ना, इसका हमसे कोई ताल्लुक नहीं है। वो मर्जी कर लें, ठीक है, आप जो है वो जितना ज्यादा मर्जी जो है वो एक्साइटेड है, लेकिन अगर आपके अंदर इंसानियत होती है ना, वो जाग जाती है। कि रिजवान की जो प्रायोरिटी क्या है भाई, रिजवान की प्रायोरिटी ये है कि मैं न्यूयॉर्क की सड़क के ऊपर खड़े होकर नमाज पढ़ूं। मैं आज से कुछ अरसा पहले दो पाकिस्तान टीम के प्लेयर से मिला और उसमें एक उस वक्त के वाइस कैप्टन भी थे, आपको मालूम होगा कि इनकी बात कर रहा हूँ, नाम लेना मुनासिब नहीं है। उन्होंने जिस तरह की मेंटालिटी मैंने ऑब्जर्व की वहाँ पे, मुझे आइडिया हो गया कि ये टीम तो क्या इसके बाद आने वाली टीमें भी कोई वर्ल्ड कप नहीं जीत सकती, कोई बड़ा टूर्नामेंट जीत नहीं सकती, बिकॉज मेंटली दे वर सो ऑल ओवर द प्लेस कि मुझे शॉक लगा ये सुन के कि जब मैंने पूछा कि वर्ल्ड कप में जा रहे हैं क्या माइंडसेट है आपका, उन्होंने कहा कि आपको पता है हम तो दुआओं से जीतते हैं। एक प्लेयर जो अभी वर्ल्ड कप में गया नहीं है उससे पहले वो ये बात कर रहा है कि हम दुआ से जीतते हैं, तो उसका हाल क्या होगा? पहली चीज़ ये कि मेंटली आप ग्राउंड में उतरने से पहले ही हारे हुए हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि जब मैंने ये पूछा ग्राउंड में उतरने से पहले क्या स्ट्रैटेजी होती है, क्या माइंडसेट होता है, तो जवाब ये मिला कि हम वजू करके जाते हैं, हालांकि मैंने कोई मजहबी सवाल नहीं किया। उन्होंने भी कोई गलत जवाब नहीं दिया, लेकिन इससे उनकी इनोसेंस का अंदाज़ा लगाइए कि वो क्रिकेट की क्राफ्ट में और अपनी आइडियोलॉजी में फ़र्क ही नहीं कर पाते। कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस उठा के देख लीजिए, कोई सेंचुरी भी कर दी हो किसी प्लेयर ने, 5 आउट कर दिए, उसे एक्सप्लेन नहीं करना आता कि मेरा प्लान क्या था ग्राउंड में। वो ये बता नहीं पाता कि ग्राउंड में जो मैं कर रहा था उसमें मैंने क्या मेथड अप्लाई किया। ये वीडियो आई है वहाँ पर, जो कम अज़ कम ज़्यादा नहीं 50,000 लोग तो वहाँ पर हुए होंगे, और उन 50,000 लोगों में एक एम्बुलेंस वहाँ पर आती है, उसमें कोई पेशेंट होता है या फिर जो कोई डेड बॉडी भी हो सकती है उसमें, ठीक है। वो जो है वहाँ पर आती है भाई साहब, तो जब वो सायरन बजाती है ना, तो लोग जो है फौरन से लोग जो है सारे काम छोड़ के एम्बुलेंस की तरफ देखते हैं और उसके बाद ऐसे बीच में से जगह को चीर देते हैं, चीर के जो है वो एम्बुलेंस को रास्ता देते हैं कि जाएं आप यहाँ से जाएं। यानी कि आप देखें कि आप जितना भी जो है सेलिब्रेट कर रहे हैं, आप सेलिब्रेशन के मूड में हैं, आप जो है जो मर्जी कर लें, ठीक है, आप जो है वो जितना ज्यादा मर्जी जो है वो एक्साइटेड हैं, लेकिन अगर आपके अंदर इंसानियत होती है ना, वो जाग जाती है। आज आप देखिए हजारों लोग जब मगन थे इंडिया की टीम का वेलकम करने में, सेलिब्रेट करने में, लेकिन बीच में जो एक एम्बुलेंस आती है और उन सब लोगों को फौरन से ये ख्याल आ जाता है कि यार ये ज्यादा जरूरी है, हम सेलिब्रेशन बाद में कर लेंगे, सेलिब्रेशन हमारा बाद में हो जाएगा, ठीक है, लेकिन ये जो एम्बुलेंस है इसमें कोई इंसान है, शायद वो बीमार है, शायद उसकी जान जा रही हो, शायद कोई और मसला हो, हमें पहले ये चाहिए कि हमें इसको रास्ता देना है। और वो यानी कि हजारों की तादाद में लोग जो होते हैं ना, वो फौरन से इस तरह से बीच में से जगह को चीर देते हैं और बीच में से आराम के साथ वो जो एम्बुलेंस होती है वो गुजर के जाती है। हम देखते हैं कि हमारे जो बच्चे हैं, क्योंकि कौम का मुस्तकबिल होते हैं, वो बहुत ज्यादा रेडिकलाइज होते चले जा रहे हैं अपने नेबरिंग कंट्रीज को लेके, और जो वजह साबित होती है वो होता है पाकिस्तान का मुतालिया। जो बच्चा इस मुतालिये को पढ़ता है वो दुनिया को समझने की बजाय वो अपने नेबरिंग कंट्रीज को अपना दुश्मन जानने लगता है। और जब हमारे छोटे छोटे बच्चों से पूछा जाता है कि आप बड़े होके क्या बनोगे, वो कहते हैं मैं बड़े होके इंडिया को खत्म करूंगा। तो ये जो चीजें हैं, एक पढ़ा लिखा बंदा जब अपनी नौजवान बच्चों के, ये छोटे बच्चों के मुंह से ऐसे अल्फाज सुनता है, तो ये हमारे लिए लम्हा फिक्रिया है।
मैं इस पे काम जब कर रही थी तो मैंने जब इस बुक का पहला पन्ना खोला तो उसके ऊपर एक डेफिनेशन हमें नजर आती है नजरिए की। ये कौन सी क्लास है, ये कौन सी क्लास की किताब है? ये स्टैंडर्ड नाइन है। अब बच्चों को ये पढ़ाया जा रहा है कि पाकिस्तान बनने का जो अवलीन मकसद था उसमें एक नजरिया शामिल था, और नजरिया उसको कहते हैं कि हिंदुस्तान में दो कौमें आबाद हैं, एक हिंदू और मुसलमान, और दोनों कौमों के हीरोज जो हैं कहानियां मुख्तलिफ हैं और दोनों एक साथ नहीं रह सकती, और यही बुनियाद बनी पाकिस्तान बनने की। क्या कहेंगे आप इस पे? इस पे तो मेरी जिनाली किताब में बड़ी तवील मैंने बहस की है कि अगर ये वाकई ये होता तो फिर एक मुसलमान इंडिया के ना रहता, हमको उन सबको पाकिस्तान में ले आना चाहिए था, फिर तो होता ना कंप्लीट एक्सचेंज ऑफ पॉपुलेशन हिंदू मुस्लिम बुनियाद पे। ऐसे तो नहीं हुआ, बल्कि हमने जितने मुसलमान इंडिया में छोड़ दिए, अगर हिंदुस्तान की हुकूमत उनको उस जमाने में धकेल के तो पाकिस्तान में भेज देती तो पाकिस्तान बनने से पहले ही कलैप्स कर जाता। क्यों? रिजवान जो है वो मौलवी है, प्रेस कॉन्फ्रेंस देख लो, चीमा जी और टीम कहां जा रही है। बिल्कुल सही कहा ये वर्मा, डीके वर्मा ने, कि रिजवान की जो प्रायोरिटी क्या है भाई? रिजवान की प्रायोरिटी ये है कि मैं न्यूयॉर्क की सड़क के ऊपर खड़े होकर नमाज पढ़ूं। रिजवान चाहता है मैं न्यूयॉर्क की सड़क पे खड़ा हूं, नमाज पढ़ूं और नमाज पढ़ के तस्वीर बनवाऊं और तस्वीर बना के सोशल मीडिया पे लगा दूं और पूरे पाकिस्तान में हो जाए जी क्या कमाल का बंदा है जी रिजवान साहब। ठीक है जी भाई, आपको हम देखते हैं एज ए प्लेयर, आप अपनी पर्सनल लाइफ में कितने अच्छे मुसलमान हैं, आप अपनी पर्सनल लाइफ में अगर हिंदू हैं तो कितने अच्छे हिंदू हैं, आप अपनी पर्सनल लाइफ में अगर क्रिश्चियन हैं तो कितने अच्छे क्रिश्चियन हैं, इसका हमसे कोई ताल्लुक नहीं है। हमारा ताल्लुक आपसे यह है कि आप क्रिकेटर कितने अच्छे हैं, हम आपको ऐसे क्रिकेटर जानना चाहते हैं। सो ये जो मजहब को लिंक करते हैं आप अपनी स्पोर्ट्स के साथ, दिस इज नॉट फेयर। जी पाकिस्तानी प्लेयर रिजवान सेड दे फर्स्ट एम्बेसडर ऑफ इस्लाम एंड देन, देखिए ये यही तो मसला है। मैंने मुझे नहीं पता ये उन्होंने स्टेटमेंट कही है नहीं या नहीं कही, लेकिन मैं जाती तौर पे समझता हूँ कि अगर उन्होंने ये बात कही है तो ये उनका मैंडेट नहीं है। उनका मैंडेट ये है कि ही इज ए स्पोर्ट्समैन, उनका मैंडेट ये नहीं है कि वो मजहब पे बात करें। मजहब पे बात करने के लिए जब आप अपनी क्रिकेट को छोड़ देंगे, आप एक कॉमन मैन हैं, आप बेशक तबलीग करें जो मर्जी करें, वो दैट इज योर राइट, लेकिन एज लॉन्ग एज आप यहाँ पे हो तो ऐसे तो नहीं चीजें चलती। ये हर बंदा यही मैसेज कह रहा है जी रिजवान पार्ट टाइम क्रिकेटर है फुल टाइम मौलवी। देखिए लग तो यही रहेगा, लोग तो यही कमेंट करेंगे कि भाई तुम पार्ट टाइम क्रिकेटर हो, तुम्हारा असल जॉब जो है दैट इज टू प्ले क्रिकेट। रिजवान आप देखें ना ये कितनी एम्बैरेसिंग सिचुएशन है। सो हमारा जो जैसे कहेंगे ना जो असल प्रॉब्लम है वो ये है कि हम जो 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 जॉब आपकी होती है वो जॉब आप करते नहीं है। ठीक है जी, सो जॉब आपकी ये है कि आप सबसे पहले क्रिकेट खेलें। आपके पीछे आपके पब्लिक का खड़ा होना इंतहाई लाजिम है, और यकीनन मोदी ने अपने लोगों के लिए काम किया है तो लोग उसके साथ